क्या आप यहाँ पे एक बात जानते हैं जो यहाँ पे Xiaomi HyperOS ने अभी तक सीक्रेटली यहाँ पे हम सभी से छुपा रखी थी। सो यहाँ पे Xiaomi के ईयरबड्स, Xiaomi के हेडफोन्स में Xiaomi HyperOS आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, यह आपको पहले से पता होगा। लेकिन यहाँ पे Xiaomi ने अब यह डिसाइड कर लिया है कि Xiaomi के ईयरबड्स के बॉक्सिक्स में भी और हेडफोन्स के ऑफिशियल बॉक्स में आपको ये शो होगा पावर्ड बाय Xiaomi HyperOS, जैसे कि स्मार्टफोन, स्मार्ट कार्स एंड अदर AIoT डिवाइसेस। सो अब यहाँ पे ये कंफर्म हो चुका है कि Xiaomi AIoT स्मार्ट डिवाइसेस में भी पावर्ड बाय Xiaomi HyperOS यहाँ पे लॉन्च करने वाली है और ये ऑफिशियली कंफर्म भी यहाँ पे हो चुका है। डू यू नो डैट Xiaomi ईयरबड्स एंड हेडफोन्स आर ऑल्सो कमिंग विद Xiaomi HyperOS? क्या आप ये बात यहाँ पे जानते थे? कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसका फुल आर्टिकल यानी कि फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वीवो पे भी आ चुकी है। यहाँ पे टुडे लेट्स टॉक अबाउट Xiaomi प्रोडक्ट्स प्लान फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स बेस्ड ऑन द Xiaomi वेला। सो यहाँ पे Xiaomi AIoT डिवाइसेस के लिए Xiaomi HyperOS हमारा Xiaomi वेला की तरह से यहाँ पे काम करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे 2024 में वेरिएबल्स आर एक्सेप्टेड टू बी अप्लाइड टू TWS हेडफोन्स डिवाइसेस विद स्क्रीन्स आर एक्सेप्टेड टू अप्लाई टू स्पीकर्स विद स्क्रीन। सो ये स्क्रीन का मतलब यहाँ पे हमारे स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट बैंड्स एंड मैनी मोर AIoT डिवाइसेस में देखने के लिए मिलते हैं। और 2025 से 2026 व्हीकल्स आर एक्सेप्टेड टू बी अप्लाइड टू ZECU कंपेटेबल विद AutoSAR इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल सिटीज एक्सेप्टेड टू बी अप्लाइड टू बी स्मार्ट वॉचेस, वॉच S1 प्रो, S3 एक्सेट्रा। जैसा कि Xiaomi स्मार्ट बैंड 8 प्रो में Xiaomi HyperOS ऑलरेडी यहाँ पे देखने के लिए मिल चुका है, क्योंकि वो एक लेटेस्ट Xiaomi का स्मार्ट बैंड है Xiaomi की स्मार्ट वॉचेस से भी। और इसी के साथ साइबर डॉग में भी आपको Xiaomi HyperOS देखने के लिए मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रोबोट सिट इज एक्सेप्टेड टू बी अप्लाइड टू साइबर डॉग। सो यहाँ पे साइबर डॉग भी हमारा अब Xiaomi HyperOS में वर्क करेगा और ये क्लियरली शो करता है कि Xiaomi फ्यूचर में मोर साइबर डॉग्स को चाइना रीजन में लॉन्च करेगी। ग्लोबल में कब तक करेगी इसकी कोई भी एक्सेप्टेशन अभी तक किसी ने भी यहाँ पे नहीं सोची है। और इसी के साथ यहाँ पे बस यही थी पूरी इन्फॉर्मेशन कि आपको AutoSAR का मतलब ऑटोमेटिव ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर जो हमारा ऑटोमेटिव है और ये कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जो केवल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ही वर्क करता है, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे वर्क हमारी करेंगी। और ये जॉइंटली पार्टिसिपेटेड किया जाएगा ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स पार्ट सप्लायर्स की तरफ से। सो आर यू एक्साइटेड फॉर दी Xiaomi HyperOS 2.0 वेला? कमेंट नाउ एंड सब्सक्राइब नाउ।